आज मैं 1.3 कंटिन्यूस कर रहा हूं और आप इसमें देखिए ये क्वेश्चन जो मैंने कल नहीं कराया है स्पेशल है और आप इसको जरा ध्यान से देखिए। देखिए इससे पहले मैंने आपको बताया कि मेथड में कॉमन लेंगे हम, पर इस क्वेश्चन में कॉमन कहीं नहीं है। अब कॉमन कैसे नहीं है, देखिए ये 625 है, यहां -625 है, तो हम कॉमन तो ले नहीं सकते हैं। तो आपको क्या करना है, यहां पर ये ब्रिज है, ब्रिज इसमें देखिए आप माइनस बाहर निकाल दीजिए 625 × 35 प्लस प्लस माइनस माइनस 625 × 65। ये स्टेप जरा आप ध्यान से देख लीजिए, इस स्टेप को आप बहुत ध्यान से देख लीजिए कि मैंने क्या किया है। दिस इज ब्रिज, ये ब्रिज है, दो नंबर्स को अलग अलग करता है। तो यहां पर देखिए आप 625 यहां पर प्लस है, जहां पर नहीं है इसका मतलब ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस, तो ये मैंने आपका माइनस लिख दिया। यहां पर देखिए प्लस माइनस 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 625। अब आप देखिए कॉमन आ गया है आपके पास में, तो अब इस कॉमन को बाहर निकाल दीजिए, माइनस 625 इंटू बचा 35, यहां पर बचा प्लस 65। अब ये प्लस कैसे आया है, यहां पर आप जरा ध्यान से देखिए, 625 को जब हम बाहर निकालेंगे तो यहां पर हमारे पास में जो निशान बचेगा वो बचेगा प्लस का। ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है। अगर आपने माइनस लिख दिया, क्योंकि माइनस तो बाहर ही चला गया था, अब माइनस यदि बाहर चला गया तो रहा क्या हमारे पास में, रहेगा प्लस, आप ये ध्यान रखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए बहुत ध्यान से करना है आपको। अब आप यहां पर देखिए आपके पास में 625 माइनस का है इंटू 100 और आपके पास में आंसर आ गया 62500। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसी तरह से मैं आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन बना देता हूं, वो आप देखिए, इसको एक्स्ट्रा कर देता हूं, मैं यहां पे लिख देता हूं एक्स्ट्रा 725। आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं ये क्वेश्चन लिख रहा हूं, आप इसका आंसर जरूर निकाल लीजिए। मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूं कि क्या इसका आंसर आएगा, वो आप प्रैक्टिस करिए, तो ये क्वेश्चन आपको एज इट इज लर्न हो जाएगा और बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको जरूर कर दीजिए। बच्चों इस क्वेश्चन को करने के लिए आप क्या करेंगे, आप इस तरह से करेंगे 7 × 50 में से 2 माइनस कर दिया, क्योंकि ब्रैकेट सॉल्व करना है, तो इट इज 48 और आप इसको मल्टीप्लाई करके यहां आंसर लिख देंगे। पर आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि आपको कह दिया गया है यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टी, तो सुटेबल प्रॉपर्टी लगानी है, यानी कि आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगानी है यहां पे। तो आप एक तीर यहां लगाएंगे, एक तीर यहां लगाएंगे, 750 7 × 50 माइनस इसकी मल्टीप्लाई इससे है 7 × 2, तो आपके पास में 7 × 50 350 और माइनस 14। अब आप इसको माइनस कर लीजिए, ये आपका आंसर आएगा। हाँ अगर आप चेक करना चाहते हैं तो इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये आंसर और ये आंसर दोनों मिलेंगे आपको। तो आप ध्यान रखिए तरीका ये है सही, तरीका आपका ये है सही, क्योंकि आपको पहले ही कह दिया गया है यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टी और सुटेबल रीअरेंजमेंट, तो आपको इस तरह से करना है इसको। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी, -17 × -29। हर एक क्वेश्चन कुछ ना कुछ थोड़ा सा अलग है, तो अब आप देखिए -17 × -29। तो सबसे पहले आप देखिए दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस, तो आप इसको सीधा लिख लीजिए 7 × 17 × 29। इट कैन बी रिटन एज 17 × 30 - 1 एंड अप्लाई दिस मेथड अगेन एंड यू कैन गेट योर आंसर। अगेन एच अगेन स्टार क्वेश्चन है। अब आप फिर वापस देखिए, यहां पर कॉमन है, 57 कॉमन है, बट इस 57 को कॉमन लेने से पहले हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, तो वो देखिए अब आप, आपका स्टेप देखिए, ये दोनों मल्टीप्लाई हैं, तो माइनस माइनस प्लस हो गया और आप इसको ऐसे लिखिए, मल्टीप्लाई नहीं करना है यहां पर,
अब आप ये देखिए 57 यहां पर कॉमन है, 57 कॉमन, आप यहां पर इसको ले आइए, 57 को भार लिया है और यहां पर रह गया 19 प्लस हवा, यहां पर हवा है, हवा का मतलब बहुत कुछ है, यहां पर 1 है ये, अगर आप इसको कुछ 0 लिखेंगे तो भी गलत, तो 57 के साथ में क्या है इनटू 1 है, ये यहां पर आप को लिखना नहीं है, आपके दिमाग में रहनी चाहिए बात कि यहां पर जब आप 57 को बाहर ले गए हैं तो ये आपके पास में 19 प्लस 1 है, अब आपका हो गया ये 57 इंटू 20, अब आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका आंसर तैयार है। तो इस तरह से आपको सुटेबल प्रॉपर्टीज यूज करनी है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपको करा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 5th जो है आपका बहुत स्टार क्वेश्चन है, इसकी एक एक क्वेश्चन को मैंने आपको एक्सप्लेन किया है और आपका एक क्वेश्चन पक्का एग्जाम में आएगा, तो आप इसकी प्रैक्टिस करिए, मैं आपको और क्वेश्चंस डालूंगा आज, तो आप उसकी प्रैक्टिस करिए और आगे बढ़ते जाइए। हाँ, क्वेश्चन 6th, अ सर्टेन फ्रीजिंग प्रोसेस रिक्वायर्स द रूम टेम्परेचर बी लोअर्ड 40 डिग्री सेंटीग्रेड एट द 5 डिग्री सेंटीग्रेड एवरी आवर। कहने का मतलब यह है कि आपके रूम का टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर एट प्रेजेंट 40 डिग्री सेंटीग्रेड है, रूम टेम्परेचर एट प्रेजेंट 40 डिग्री सेंटीग्रेड, अब एवरी आवर यानी हर घंटे नीचे गिर रहा है 5 डिग्री सेंटीग्रेड से, टेम्परेचर रिड्यूस्ड बाय 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर आर, पर आर एक घंटे में आपका टेम्परेचर गिरता जा रहा है 5 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आप देखिए इन 10 आवर्स, तो 5 इंटू 10 इज इक्वल टू 50 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी 10 घंटे बाद कितना टेम्परेचर गिर जाएगा, 50 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा, यानी ये नेगेटिव आपका टेम्परेचर गिर गया है, यानी इसके आप निशान लगाएंगे -50 डिग्री सेंटीग्रेड आफ्टर 10 आवर्स, देयरफॉर आफ्टर 10 आवर्स आपका ये टेम्परेचर होना चाहिए -50 डिग्री सेंटीग्रेड, रिड्यूस हो जाना चाहिए, तो आपके रूम टेम्परेचर था 50 डिग्री सेंटीग्रेड, 40 डिग्री सेंटीग्रेड और दिस इज 50 डिग्री सेंटीग्रेड, 50 डिग्री सेंटीग्रेड, तो देयरफॉर आफ्टर 10 आवर्स एक्चुअल टेम्परेचर इज 40 डिग्री -50 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू -10 डिग्री सेंटीग्रेड इज द आंसर, यानी कि 40 डिग्री से 5 डिग्री सेंटीग्रेड नीचे गिरना स्टार्ट हुआ तो आपका एक घंटे बाद 35 डिग्री होगा, दूसरे घंटे बाद 35 में से 5 डिग्री 40 डिग्री होगा, इस तरह से करते करते आपका टेम्परेचर हो जाएगा -10 डिग्री सेंटीग्रेड। समझा रहा हूं, जरा ध्यान से देखिए, मैंने आपको फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन पेपर दिया जिसमें टोटल क्वेश्चन थे 10 क्वेश्चन थे, करेक्ट आंसर यदि आप करेक्ट आंसर लिखते हैं तो एक एक क्वेश्चन का आंसर यदि आप सही करते हैं तो 5 मार्क्स मिलेंगे आपको, और यदि आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं, इनकरेक्ट इनकरेक्ट किया कोई आंसर, तो आपके मैं -2 मार्क्स काट लूंगा, और नहीं अटेम्प्ट कर रहे हैं तो मैं कोई नंबर दूंगा नहीं आपको, वापस समझ लें इस चीज को, आपने एक क्वेश्चन सही किया है तो 5 मार्क्स, 2 किए तो 10 हो गए, ठीक है, इसी तरह से एक इनकरेक्ट किया है तो -2 हो गए, 2 इनकरेक्ट कर दिए तो -4 हो गए, तो ध्यान से देखिए आप, तो अब फॉर एग्जाम्पल मोहन गेट्स 4 करेक्ट एंड 6 इनकरेक्ट आंसर, तो मोहन कितने कर रहा है, वो 4 करेक्ट कर रहा है, 4 करेक्ट मींस 4 इंटू 5 इट इज 20 मार्क्स, यानी 20 मार्क्स उसने गेन कर लिए, एंड इसी तरह से 5 मार्क्स उसने क्या किए, इनकरेक्ट किए, 5 इनकरेक्ट, तो इट इज 5 इंटू -2 इट इज 10, -10, तो फाइनल आपका आंसर कितना आ गया 10, तो ही विल गेट द 10
10 मार्क्स टोटल उसके 10 मार्क्स हुए, क्योंकि माइनस का 10 उसने गेन किया है, माइनस का 10। अगेन अब आप देखिए, तो व्हाट इज द स्कोर ऑफ मोहन? मोहन गेट 10 मार्क्स। अगेन रेशमा गेट्स 5 करेक्ट आंसर्स एंड 5 इनकरेक्ट आंसर्स। रेशमा सेकंड, रेशमा 5 करेक्ट एंड 5 इनकरेक्ट। 5 करेक्ट मीन्स 5 इंटू 5, तो शी विल गेन 25। एंड 5 इनकरेक्ट, तो 5 इंटू माइनस 2 इट इज माइनस 10, तो इट इज 15 मार्क्स, तो शी विल गेट 15 मार्क्स। तो टोटल अब देखिए बच्चों, हम कहते हैं ना नेगेटिव मार्किंग क्या होती है, इन केस उसने आपके 2 करेक्ट किया है, 2 ही किया, तो 10 आए उसके, ठीक है, और इधर 5 इनकरेक्ट कर दिए तो 10 माइनस के आगे, तो 0 मार्क्स आएंगे उसको, दिस इज कॉल्ड नेगेटिव मार्क। और इन केस उसने एक ही क्वेश्चन सही किया और आगे, यही कहलाती है नेगेटिव मार्किंग। आपको बोलते हैं नेगेटिव मार्किंग, तो नेगेटिव मार्किंग में बहुत ध्यान से ये ध्यान रखना चाहिए कि हम करें ही नहीं, अटेम्प्ट भी नहीं करें क्वेश्चन को, तो आप अगर नहीं आता है तो आप अटेम्प्ट मत करिए, है ना, तो दिस इज कॉल्ड नेगेटिव मार्किंग। अब आपका थर्ड है क्वेश्चन, थर्ड हीना, तो हीना वाला आप करेंगे, इट इज होमवर्क, हीना फॉर होमवर्क, तो अब आप होमवर्क करेंगे बच्चों। अब क्वेश्चन 8 हम कर रहे हैं, 8 में आप ध्यान से सुनिए, एक शॉप है जिसके पास में व्हाइट सीमेंट और ग्रे सीमेंट दो तरह के बैग्स वो बेच रहा है, तो आप यहां पर देखिए, एक व्हाइट सीमेंट का वो बैग बेचता है तो उसको 8 रुपीज प्रॉफिट होता है, 8 रुपीज प्रॉफिट होता है, और इसी तरह से ग्रे सीमेंट का एक बैग वो बेच रहा है तो उसे 5 रुपीज लॉस होता है, यानी कि ये तो डाउन है और ये अप है, ये समझ लें, तो ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, ये ध्यान रखेंगे आप, यानी इससे आपको बेचने में फायदा है और इसको बेचने में उसको नुकसान है, आप ये दिमाग में डालेंगे। अब आप एक इसका पार्ट ए है, अब वो कह रहा है द कंपनी सेल्स 3000 बैग्स व्हाइट सीमेंट एंड 5000 बैग्स ग्रे सीमेंट, तो व्हाइट सीमेंट कितना बेचा उसने, 3000 बैग्स, तो उसको प्रॉफिट होगा 8, तो टोटल आपका जो सेलिंग है उसकी प्रॉफिट सेलिंग कितनी आएगी, 24000, ये तो उसने प्रॉफिट ले लिया। अब इसी के साथ में उसने 5000 बैग्स भी इसने निकाले, ग्रे सीमेंट उसने 5000 सेल आउट कर दिए, तो अब यहां नुकसान तो है उसको, पर उसको बेचना पड़ेगा ना, अपना जो माल है वो आपका निकालना पड़ेगा, तो 5000 बैग्स उसने निकाले हैं, अब 5000 पे उसकी जो लॉस है वो हो रहा है 5, तो 5 5 25, तो 25000 यहां पर आपका उसने बेचा है, तो ये लॉस हो रहा है उसको। अब आप इसको माइनस करिए तो आपका 10000 यहां पर क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, क्योंकि यहां पर देखिए ये नेगेटिव है तो निशान आपका नेगेटिव आएगा, देयरफॉर लॉस 10000 रुपीज। इन केस अगर ये ज्यादा बेच देता, यानी 4000 बैग रखता, तब आपका पॉजिटिव आता, तो पॉजिटिव यानी वो उसने प्रॉफिट कमा लिया। इसी तरह से अब आप इसका पार्ट बी देखिए, पार्ट बी में आप देखेंगे यहां पर वो नंबर ऑफ बैग्स मांग रहा है आपसे, नंबर ऑफ बैग्स, व्हाट इज द नंबर ऑफ व्हाइट सीमेंट बैग इट मस्ट सेल टू हैव नीदर प्रॉफिट नॉर लॉस, यानी वो ना तो प्रॉफिट कमा रहा है ना लॉस कमा रहा है। इफ द नंबर ऑफ ग्रे बैग सोल्ड, पर उसने 64000 बैग्स जो है उसने बेच दिए, हियर द ग्रे बैग्स सोल्ड 64000, तो इसकी कॉस्ट कितनी हो जाएगी, यहां पर देखिए 5, तो आपको ध्यान रखना है कि इतनी कॉस्ट क्या उसने सेल आउट कर दिया है, तो नंबर ऑफ बैग्स व्हाइट सीमेंट
वाइट सीमेंट इज इक्वल टू, जब भी नंबर ऑफ बैग्स पूछे तो आप क्या करिए, कॉस्ट लगा दीजिए, किसकी किसकी कॉस्ट लगा देंगे, इसकी 8। अब आप 8 से 64 को काट दीजिए, 8 8 जा 64, आगे 0 0 आ गया, तो 5 8 जा 40, यानी 40,000 बैग्स वो वाइट सीमेंट का बेचे तो इस घाटे को, इस नुकसान को वो कवर कर सकता है। अब मेरी बात समझ में आ गई आपको? तो दिस इज द नंबर ऑफ बैग्स 40,000 वाइट सीमेंट का वो निकाल देगा, साथ ही 64,000 का वो निकाल देगा, तो ना उसको लॉस होगा ना प्रॉफिट होगा। तो वो क्वेश्चन 9 फिलअप्स करा रहा हूं, साथ ही साथ आपको मैं डिवाइड पोर्शन में ले जा रहा हूं। अब आपकी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है 1.4, वो डिवाइड है, मैं इसको डिवाइड के साथ कोरिलेट कर दूंगा। अब आप जरा ध्यान से देखिए, वापस आप आइए लीनियर इक्वेशंस में। अब आप देखिए यहां पर जो फिलअप है उसको एक्स ले लीजिए, हर जगह एक्स लिख दीजिए आप, यानी आप एक्स की वैल्यू निकाल रहे हैं, एक्स की वैल्यू, ठीक है। तो मैंने अभी कल ही आपको समझाया है, इस -3 को मल्टीप्लाई में नीचे ले जाइए, तो x इज इक्वल टू 27 अपॉन -3, आपका आंसर आ गया 3 9 27, तो 9। अब आप यहां पर देखिए ये माइनस है, ये माइनस आ गया, दिस इज द आंसर, ये आपका 9 इज द आंसर। अगेन यहां पर देखिए x डिवाइड -35 अपॉन 5, इट इज द -7 इज आवर आंसर। अगेन देखिए x -56 अपॉन -8, ये माइनस से माइनस कट गया, आपका 7 आंसर आ गया, ध्यान रखिए। नेक्स्ट नेक्स्ट आप खुद कर लीजिए, आप के इस तरह से ये आपका रिवीजन हो गया लीनियर इक्वेशन का, और साथ ही साथ मैंने डिवाइड का पोर्शन भी उठा लिया है। तो कल जब हम डिवाइड करेंगे तो आपको बहुत सुविधा होगी डिवाइड करने की, दिस इज द मेथड ऑफ डिवाइड। तो आज के लिए आपके लिए इतना ही काफी है, फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप जरूर मेरे को कमेंट बॉक्स में जाके आप जरूर सजेशन लिखिए, और प्रॉब्लम जो भी आपकी उसमें लिखिए, तो मैं आपकी सॉल्व करता जा रहा हूँ प्रॉब्लम। थैंक यू।